हेलो नमस्कार दोस्तों, ऐप टेक मास्टर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज देर ना करते हुए बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता देता हूँ, एक लॉन्चर बताने वाला हूँ जो कि आपके मोबाइल का एकदम लुक बदल देगा दोस्तों। तो इसमें यार इतनी सारी सेटिंग्स है कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे बताना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रेड कलर का आप देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे आपको सामने एक बेल आइकन आ जाएगा, आपको बेल वाला आइकन भी टच कर देना है, उसके बाद दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन क्या है यार, उसको लॉन्चर बोलेंगे हम लोग। तो ये लॉन्चर बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में डिफ़ॉल्टेड जो लॉन्चर है कितना बोरिंग से लग रहा है, बड़े बड़े आइकन है यार और बार बार इनको स्वाइप करना पड़ता है इधर उधर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आप तो आप प्ले स्टोर में जाके सिंपली नोवा लॉन्चर सर्च कर लीजिए, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, आप उस पर टैप करिए और उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी। जैसे देखिए अभी मेरा ये डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा या फिर इस पर टच करूँगा तो अभी मेरा तुरंत ही नोवा लॉन्चर चलने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर टच कर देते हैं। देखिए जैसे ही मैंने टच किया, देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया। अभी इसमें राइट और स्वाइप करने से, लेफ्ट स्वाइप करने से कुछ नहीं, अब यहाँ पर एक मेन्यू बटन दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका लुक कितना अच्छा सा दे रहे हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैंने इसमें इस तरह से लगाया हुआ है, आप चाहें तो किसी और तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे दोनों फिंगर्स को पिंच करना होगा। पिंच करने के बाद आप यहाँ देखेंगे वॉलपेपर, वेड्स और सेटिंग। तो चलिए मैं सेटिंग बता देता हूँ। तो सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर देखिए लिखा है नॉट सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट होम और यहाँ पर जाने के बाद नोवा लॉन्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, वापस बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम वापस से अपनी सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का आप देखिए कितना सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं कुछ मेन सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए प्रेजेंट सर्च बार। तो सर्च बार स्टाइल में हम जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने सर्च बार कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको इस तरह से या फिर यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा, इस तरह कुछ भी, मतलब तमाम तरह के हैं यार। आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस तरह आपको चाहिए, उस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें तमाम तरह के हैं, देखिए स्क्रॉल इफेक्ट। तो मैंने स्क्रॉल इफेक्ट यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है वाइप, तो इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पर काम करता है, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए आपको होम स्क्रीन पे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए मैं इसको जब लेफ्ट स्वाइप करूँगा कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, तो यही है स्क्रॉल इफेक्ट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सेटिंग में चलते हैं वापस। ये डॉक, तो डॉक में आप देखिए डॉक का बैकग्राउंड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप अपनी कोई इमेज गैलरी से लेके लगा सकते हैं, या फिर यहीं पे कलर दिए हुए हैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड है। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने फुल कर रखी है, अभी देखिए मैं इसको कम कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह से अभी हमारी होम स्क्रीन पर हमारा डॉक आएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये देखिए डॉक कितना ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर रखा था तो मुझे ये नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं लगा रखा है, आपको चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको अपने ट्रांसपेरेंट ही कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे डॉक आइकन। तो डॉक आइकन में आप 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना, 7 तक की आप रख सकते हैं या फिर 1 भी रख सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल 5 लगाए हुए हैं, आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। उसके बाद आइकन लेआउट या साइज, तो जो डॉक पे अपने नीचे मेन्यू के यहाँ जो आइकन चाहिए आपको, वो कौन से आइकन हो, कितने बड़े चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्या फॉन्ट चाहिए, उनका साइज, तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर फोल्डर है, आप अपनी होम स्क्रीन पे जो फोल्डर कोई बना के रखना चाहते हैं और वहाँ पर उसका कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लुक एंड फील है, तो लुक एंड फील में देखिए आइकन थीम, तो यहाँ पर सिस्टम और मार्स मैंने दोनों लगाई रखी है, तो मैंने सिस्टम लगा रखा है। उसके बाद नॉर्मलाइज आइकन साइज, स्क्रीन ओरिएंटेशन ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पर सब कुछ डिफ़ॉल्ट है जो ये सब पहले से आपको लगा मिलेगा। उसके बाद नाइट मोड है, यहाँ से अपना नाइट मोड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए और अपना टाइम सेट कर दीजिए जिस टाइम भी आपका नाइट मोड, देखिए नाइट मोड मैंने हटा दिया तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने आ गया। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम नीचे ऐप एंड विड्रॉल में जाते हैं तो यहाँ से आइकन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और उसका फॉन्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट एनिमेशन,
उसके बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, अगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी मैं फुल कर देता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है मेनू किस तरह से खुलेगा। आप देखिए अब ये हमारा मेनू इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। आप चाहे तो इसको ट्रांसपेरेंट के अलावा भी और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, और इसमें इसी तरह के काफ़ी सारे अच्छे हैं गेस्चर एंड इनपुट है। तो दोस्तों आप इसको इंस्टॉल करिए और फिर देखिए यार आपके मोबाइल का एकदम लुक ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यार, उम्मीद क्या करता हूँ यार, आपको पसंद ही आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आप वीडियो के नीचे रेड कलर का आइकन जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उस पर दबा के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस समय जो आपकी स्क्रीन पर गोल आइकन दिख रहा है ना एपटेक मास्टर का, आप उस पर भी क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।